दोस्तों वीवो ने लॉन्च करके अपने ऐसा स्मार्टफोन जिसका नाम है वीवो वी9। दोस्तों आज आप इस पूरे वीडियो को देखते रहिए। आज हम इस वीडियो में इसी फोन के बारे में बात करने वाले हैं, क्या इस फोन की खासियत, क्या है इस फोन की स्पेसिफिकेशन, और मैं अपने ओपिनियन से बताऊंगा इस फोन को बाय करने के लिए। तो दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद रफी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम इसके फ्रंट की बात करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाती है एक फुल HD की स्क्रीन 1080p रिजोल्यूशन, मतलब कि अभी बार कंफर्म है कि आपको स्क्रीन जो है वो फुल HD स्क्रीन देखने को मिल सकती है। और स्क्रीन के साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है बेजललेस डिस्प्ले, साथ ही साथ ऊपर एक छोटा सा हल्का सा नॉच, स्पीकर के बगल में कैमरा मिल सकता है। और दोस्तों अगर हम इसके कर्व की बात करें तो यहाँ पर आपको 2.5D की कर्व्ड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और नीचे में हल्का सा ब्रेजल्स आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर हम इसके बैक की बात करें तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाती है, उसके साथ साथ आपको बगल में एक दो ठो कैमरा में देखने को मिल सकता है। कैमरा के नीचे एक LED फ्लैश देखने को आपको मिल सकती है। दोस्तों अगर हम इसके कैमरे की बात करें, दोस्तों यहाँ पर आपको पहला कैमरा मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का, और जो दूसरा कैमरा मिल जाता है वो 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। और दोनों कैमरा के जो अपर्चर है वो है f2.0 के साथ साथ मिल जाता है, यानी कि आपकी जो भैया जी सेल्फी है वो एकदम कमाल की आएगी। दोस्तों ये फ़ोन आता है 4GB की DDR3 रैम के साथ साथ। अगर हम इसके रोम की बात करें तो यहाँ पर आपको 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकती है। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 256GB तक, बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि वीवो ने खाली बस इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च किया है जो कि 4GB रैम वाला है। आगे पता नहीं लॉन्च करेगा कि नहीं करेगा, जैसे ही करेगा मैं आपको उसकी डिटेल्स तुरंत बता दूँगा। अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑक्टोकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 626 का प्रोसेसर, जो कि आता है 2.2 GHz पर। और दोस्तों अगर हम इसके एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो ये एकदम लेटेस्ट आता है, एंड्रॉइड वर्जन 8.1 ओरियो अपडेट के साथ। पता नहीं क्या हमको इसका एंड्रॉइड पाली जी अपडेट देखने को मिलेगा, या पता नहीं क्या पाली जी पिस्ता या कुछ और पॉपकॉर्न, अब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ज़माना चल रहा है यहाँ, तो भैया जी यहाँ पर अपनी बार वीवो ने भी ला ही दिया है अपना नया फेस अनलॉक, मतलब कि आप अपने फ़ोन को अपने फेन की अपने फेस की तरफ ऑन करेंगे तो आपका फ़ोन अनलॉक झटके से हो जाएगा। हालांकि आईफोन एक्स तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस भैया वो ये है कि वो भी दे रहा है तो हम भी देते हैं, ट्रेंडिंग चल रहा है तो सभी दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फेस अनलॉक देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर मेन हाईलाइट की बात करें तो यार यहाँ पे जो इसका फ्रंट मेगापिक्सल जो किया था 24 मेगापिक्सल के साथ साथ, अगर इसके बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कैमरा फीचर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आपको DSLR लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वीवो V9 ले लेंगे तो। दोस्तों यही थी मेरे वीवो V9 के ओपिनियंस के बारे में। हालांकि और बातें रह गई हैं लेकिन मेरा उनको मन नहीं कर रहा था बताने के लिए। दोस्तों यही थी मेरे वीवो V9 के स्पेसिफिकेशन बारे में, मेरे ओपिनियंस के बारे में। और ऑनेस्टली बोलूँ तो यार इसकी प्राइस रखी गई है 22,000 रुपये की प्राइस रखी गई है। आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन पर, इनकी सेल स्टार्ट होगी 2 अप्रैल से। मैं वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन भी आपको मिल सकते हैं और किसी भी स्टोर पर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो यार दोस्तों अगर ऑनेस्टली पता तो यार ये फ़ोन मतलब कि यार प्राइस के हिसाब से, हालांकि आपको खाली बस सेल्फी ही चाहिए तो यार ये फ़ोन आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन यार आप ही सोचो यार 22,000 रुपये में कॉलम कंपोज ज़्यादा का 626 दे रहा है और DDR3 की रैम उतना तो यार रेडमी नोट 5 प्रो भी दे रहा था। हालांकि वो आता है यही 13-14 हज़ार में हुआ था, उसको अच्छा प्रोसेसर दे सकता है आपको। तो भैया जी यहाँ पर आपका पैसा है, आपका चेहरा, आपकी सिर्फ आप डिसाइड करो कि आप किसके पीछे भागोगे, आप वीवो V9 के पीछे भागोगे या आप किसी और बेहतर फ़ोन के अंदर भागोगे। तो आज की वीडियो थी बस यहीं तक, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कोई सुझाव तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि हम इसी तरह के लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा देते। दोस्तों आज की वीडियो में इतना मिलता है, अगले स्टार्टिंग वीडियो तब के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।